हेलो स्टूडेंट्स, हरदा डिग्री कॉलेज हरदा के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं कपिल कुमार दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स डिपार्टमेंट, आज आपको बताने जा रहा हूँ पार्टनरशिप अकाउंटिंग का ही अगला पॉइंट। इसके पिछले वीडियो में जो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें हमने स्टार्ट की हैं जो आपको एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं हेल्प कर सकती हैं। तो पार्टनरशिप अकाउंटिंग के बारे में ही कुछ डेफिनेशंस, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं, उनको लेकर के मैंने बात की थी। मैं आज उसी पॉइंट को आगे बढ़ाता हूं। पार्टनरशिप अकाउंटिंग मतलब साझेदारी लेखांकन क्या होता है, उसमें उसकी अकाउंटिंग प्रोसेस कैसे की जाती है। उसमें पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन खाता कैसे बनाया जाता है, उसकी पूरी स्टेप्स जो थी वो आपको उस वीडियो के माध्यम से बताई थी। अब मैं उसके जो कैपिटल अकाउंट्स होते हैं, यानी आपने अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बना लिया, आपने लाभहानि नियोजन खाता तैयार कर लिया, लेकिन उसके बाद उसको कैपिटल अकाउंट्स में कन्वर्ट किया जाता है, चीज़ें ट्रांसफ़र की जाती हैं और इंडिविजुअल पार्टनर को कितना अमाउंट मिलेगा, उसके अकाउंट में कितना अमाउंट क्रेडिट होगा, ये सारी चीज़ें हमको चेक करना पड़ती है, उसके अकाउंट्स को चेक करना पड़ता है। तो उसके लिए हम जो बनाते हैं, ये देखिए यहाँ पर कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, साझेदारी फर्म के अंतर्गत पूंजी खाते किस प्रकार बनाए जाते हैं उसके बारे में डिटेल है। पार्टनरशिप के बारे में पहले भी आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से दो लाइन में डेफिनेशन समझे। पार्टनरशिप दो या दो से ज़्यादा पर्सन मिलकर के जब किसी बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, संचालित करते हैं, तो उस प्रोसेस का नाम होता है पार्टनरशिप। वो पर्सन प्रॉफिट के लिए वर्क करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को आपस में क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे, कैपिटल लगाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर पार्टनर कैपिटल इन्वेस्ट करे, किसी में कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन होगा, कोई एक्स्ट्रा नॉलेज होगा, तो वो बिना कैपिटल के भी पार्टनरशिप में हमारे साथ इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो हम उसी के अकाउंटिंग प्रोसेस को देख रहे हैं कि अकाउंटिंग प्रोसेस में पार्टनरशिप के जो अकाउंट्स हैं वो कैसे रखे जाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे ये एक छोटा सा चार्ट बना हुआ है कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स देखेंगे दो प्रकार के यहाँ पर स्टेप्स होती हैं, दो मेथड होती हैं। एक मेथड का नाम है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, स्थिर पूंजी पद्धति, और दूसरी मेथड का नाम है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। ये दो मेथड होती हैं। एक छोटा सा थ्योरी का क्वेश्चन बिल्कुल पूछा ही जाता है, इसमें क्वेश्चन बनता है डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, स्थिर पूंजी पद्धति और परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में अंतर बताइए। मैं अभी आपको इसके डिफरेंस को यहाँ पर बताता हूँ, कैसे क्या डिफरेंस के पॉइंट हो सकते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड होगी तो इसका मतलब है कि इसमें जो कैपिटल होगी वो फिक्स्ड हो जाएगी, यानी हम कैपिटल को एक पर्टिकुलर प्लेस पर फिक्स कर देंगे। अब बाकी की चीज़ों के लिए हम एक और अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, उसका नाम होगा करेंट अकाउंट, ठीक है ना। मतलब अगर हम बात करें फिक्स्ड कैपिटल मेथड की, तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में जो हम अकाउंटिंग प्रोसेस करेंगे उसमें दो अकाउंट तैयार करेंगे। पहला अकाउंट होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदारों का पूंजी खाता, और दूसरा अकाउंट होगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। याद करो वो अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने जो बनाया था तो उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखा था, पार्टनर को मिलने वाली सैलरी लिखा था, पार्टनर को मिलने वाला बोनस, कमीशन, ये सारी चीज़ें लिखी थी। तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं वहाँ तो हमने लिखी थी, लेकिन पार्टनर्स के अकाउंट में वो क्रेडिट भी होगी, तो वो क्रेडिट कहाँ होगी, तो इन दो अकाउंट में से होगी। लेकिन उन दोनों अकाउंट में क्रेडिट करने या डेबिट करने की जो प्रोसेस होती है उसमें दो मेथड बताई गई है। एक मेथड होती है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरी बताई गई है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो अगर क्वेश्चन में स्पेशली लिखा गया है कि आपको फिक्स्ड कैपिटल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो वहाँ पर आपको अकाउंट दो बनाने पड़ेंगे। पहला अकाउंट होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा अकाउंट होगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। लेकिन यदि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड आप यूज करते हो, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति का आप उपयोग करते हो, ये
तो फिर उस कंडीशन में आपको एक ही अकाउंट बनाना है और उसी अकाउंट में सारे पॉइंट्स जो हैं वो लिख दिए जाएंगे, उसको बोला जाएगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, तो अगर हम छोटे छोटे डिफरेंस की बात करें, मैं एक थ्योरी के ऊपर बात करूं इसमें, तो देखिए फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल का जो नेचर होता है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है, लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैपिटल का जो नेचर होता है वो चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। पहला डिफरेंस हो गया। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में एक करंट अकाउंट ओपन होता है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कोई करंट अकाउंट ओपन नहीं होता है। चालू खाता फिक्स्ड में ओपन किया जाता है लेकिन फ्लक्चुएटिंग यानी परिवर्तनशील पद्धति में कोई चालू खाता खोला नहीं जाता। दो, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में अकाउंट की जो संख्या होती है वो दो होती है, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट, लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में अकाउंट की जो संख्या होती है वो केवल एक होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और उसमें क्या क्या इंक्लूड किए जाते हैं पॉइंट्स, तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल में कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, उसकी एडिशनल कैपिटल आ जाएगी और बाकी सब चीज़ें काय में आएंगी करेंट अकाउंट में। करेंट अकाउंट में क्या क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी किसी पार्टनर को मिल रही है, किसी पार्टनर को बोनस मिल रहा है, किसी पार्टनर का कमीशन है वो आ जाएगा, कोई उसने पैसा विड्रॉ कर रखा है वो आ जाएगा, उसके अलावा जो प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट लिख दिया जाएगा क्रेडिट साइड, और अगर कोई लॉस होता है तो लॉस लिख दिया जाएगा डेबिट साइड। ये सारी चीज़ें आपके कैपिटल करेंट अकाउंट में आ जाती है। ठीक है, तो ये इसमें दो अकाउंट बने। और अगर कैपिटल फ्लक्चुएट होती है तो फिर जितने पॉइंट मैंने यहाँ बताए दो अकाउंट में, वो दो अकाउंट में ना आते हुए पूरे के पूरे पॉइंट कहाँ आ जाएंगे, एक ही अकाउंट में आ जाएंगे, वो चीज़ देखते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर समझना है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन। देखो एक फॉर्मेट बना हुआ है, उस फॉर्मेट से चीज़ों को समझते हैं, क्योंकि अगर थ्योरी का न्यूमेरिकल का एक क्वेश्चन आता है कि एक पॉइंट दिए हुए हैं, लगभग 5 से 7 पॉइंट दिए हुए हैं, पूरा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें आपसे पूछा गया है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लाभानी नियोजन खाता बनाइए और साझेदारों का पूंजी खाता बनाइए, तो उस कंडीशन में अपने को ये कैपिटल अकाउंट बनाने को आ सकता है। तो ध्यान देना है, फॉर्मेट ऑफ कैपिटल अकाउंट थ्योरी में भी पूछा जा सकता है, तो ये थ्योरी के रूप में भी हो जाएगा, और अगर न्यूमेरिकल में आता है तो न्यूमेरिकल में सॉल्व हो सकता है। तो देखो हम सबसे पहली मेथड कौन सी ले रहे हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में देखो आप यहां ये है, जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हेडिंग डला हुआ है, पहला कॉलम डेट का पर्टिकुलर, पार्टनर यहां पर मैंने दो लिए हैं ए और बी, ठीक है, जितने पार्टनर होंगे उतने अमाउंट के कॉलम बनते जाएंगे, इधर साइड डेट पर्टिकुलर ए और बी, ये वाला साइड जो है डेबिट का है और ये साइड जो है वो क्रेडिट का है, इस प्रकार से। अब आप देखो सबसे पहले आपके क्वेश्चन में कैपिटल फिक्स्ड हो गई तो हमको इसमें सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लिखना है, इसके अलावा दूसरी कोई चीज़ नहीं लिखना है। तो कैपिटल का बैलेंस ये आएगा किस साइड, डेबिट साइड, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, शेष लाया गया ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का रहेगा। ये ध्यान रखना, हर क्वेश्चन में मिलेगा ए एंड बी आर पार्टनर दे आर कैपिटल, और वो कैपिटल लिख देगा एक की 1 लाख, एक की 2 लाख, तो आप यहां पर लिख देना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहां 1 लाख आ जाएगा, यहां 2 लाख आ जाएगा, जो भी दिया रहेगा। ठीक है, उसके बाद कई बार किसी किसी क्वेश्चन में होता है कि कोई पार्टनर बिजनेस में एडिशनल कैपिटल लगा रहा है, कोई अतिरिक्त पूंजी लगा दी, तो वो जो एडिशनल कैपिटल होगी वो आ जाएगी किस नाम से, बाय कैश अकाउंट या बाय बैंक अकाउंट, या तो वो कैश के नाम से आएगी या बैंक के, बस ये दो पॉइंट लिखना है आपको, दोनों का टोटल लगाना है और यही टोटल उठा करके डेबिट साइड लगा देना है और उसको अपन बैलेंस के रूप में लिख देंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन। आई बात समझ में, ये आपका हो जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन सी मेथड में, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पर पूरा फॉर्मेट बना हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। अब कैपिटल फिक्स्ड होगी तो दो अकाउंट बनेंगे, अभी आपको मैंने बताया पहला अकाउंट कौन सा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो मैंने आपको ये बता दिया। अब
दूसरा अकाउंट जो बनेगा वो कौन सा बनेगा? पार्टनर्स करेंट अकाउंट, साझेदारों का चालू खाता। ठीक है, यानी जो जो चीजें अब छूट गई थी वो पूरे पॉइंट अब कहाँ आएंगे? आपके इस करेंट अकाउंट के अंतर्गत आएंगे। अच्छा, कहीं कहीं जगह पर क्या हो सकता है, करेंट अकाउंट का एक ओपनिंग बैलेंस दिया जा सकता है, लिखा हुआ रहेगा कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट। तो करेंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और करेंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। मान लो करेंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट साइड का है, तो देखो ये सबसे पहला पॉइंट दिया है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये डेबिट में लिख देंगे। लेकिन अगर हो सकता है किसी पार्टनर का बैलेंस डेबिट, मतलब ये क्रेडिट में लिख दिया, किसी पार्टनर का बैलेंस डेबिट साइड का दिया हुआ है, तो हम ये यहां लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है ना, यानी ध्यान रखना है कि करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है तो क्रेडिट का बैलेंस होगा तो क्रेडिट साइड लिख दिया जाएगा और डेबिट का बैलेंस होगा तो डेबिट साइड। अब जो आपने एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, उस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चीजें देखी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, ये सारी चीजें पार्टनर को मिल रही है। तो छोटा सा पॉइंट याद रखना है, ऐसा अमाउंट जो पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट होना है वो इस करेंट अकाउंट के किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड आएगा। मतलब पार्टनर को मिलने वाली चीजें जितने भी अमाउंट्स रहेंगे वो सब किधर आना है? क्रेडिट साइड। देखो यहाँ ये एक आ गया बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज, बाय सैलरी, उसको वेतन मिल गया, बाय प्रॉफिट, जो भी आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था तो उससे क्या हुआ होगा? प्रॉफिट हुआ होगा, वो आ गया। बाय कमीशन, उसको कुछ कमीशन मिल गया। उसके बाद और भी कोई चीज हो सकती है जो पार्टनर को अगर मिल रहा है तो वो किधर आ जाएगा? क्रेडिट साइड। और वहीं अगर हम डेबिट साइड की बात करेंगे तो एक अमाउंट तो आएगा उसका विड्रॉ, किसी किसी पार्टनर के द्वारा फर्म से कुछ पैसा निकाल लिया जाता है, उसको हम आहरण यानी ड्राइंग बोलते हैं, तो वो ड्राइंग का अमाउंट डेबिट साइड आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे ड्राइंग पर इंटरेस्ट, आहरण पर ब्याज, वो आपका डेबिट साइड आ जाएगा। और एक मेन पॉइंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में या तो प्रॉफिट होता है या लॉस, प्रॉफिट है तो क्रेडिट में, लेकिन यदि लॉस है तो वो किधर आ जाएगा? डेबिट। तो ये डेबिट साइड में लॉस लिख दिया और क्रेडिट का टोटल लगाया जाएगा और क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल क्या कर दिया जाएगा? माइनस। ये देख लो, क्रेडिट का ज़्यादा है तो ये बैलेंस यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, और अगर डेबिट का ज़्यादा है तो बैलेंस क्रेडिट साइड आ जाएगा बाय बैलेंस के नाम से। तो इस प्रकार से एक अकाउंट हो गया आपका पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है, ये दो कंडीशन हो गई। लेकिन यदि अगर हम वहीं बात करें कि कैपिटल फ्लक्चुएट है, तो फ्लक्चुएट वाली कंडीशन में क्या होगा? आपको दो अलग अलग के एक से अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन दोनों अकाउंट को हम क्या कर देंगे? मर्ज कर देंगे, मिला देंगे, यानी एक ही नाम रहेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और उसमें ये जो दो हमने पूरे बनाए हैं, ये कैपिटल अकाउंट और ये करेंट अकाउंट, तो ये दो अकाउंट बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसी कैपिटल अकाउंट में ये नाम यही रहेगा कैपिटल अकाउंट, और बैलेंस लिखा कैपिटल का, उसके नीचे एडिशनल कैपिटल लिखी, और ये जो पूरे पॉइंट हैं ये सारे पॉइंट इसी अकाउंट के अंदर इसके नीचे आते जाएंगे, क्रेडिट वाले पॉइंट क्रेडिट में आ जाएंगे और डेबिट वाले पॉइंट जो रहेंगे वो इस डेबिट के अंदर आ जाएंगे। तो दो अकाउंट ना बनते हुए केवल एक अकाउंट बनेगा जिसका नाम होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की पूरी प्रोसेस को समझा। अब एक दो पॉइंट हैं के फॉर्मूले को लेकर के, कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला जाएगा, तो ये थोड़ा सा याद रखना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए ओपनिंग कैपिटल इंटू रेट ऑफ परसेंट अपॉन 100। एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सी कैपिटल पर चार्ज होता है, तो याद रखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी पूंजी पर ब्याज जो होगा वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर चार्ज होगा। ओपनिंग कैपिटल यानी प्रारंभिक पूंजी पर लगाया जाता है। कई बार किसी किसी क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दी हुई रहती है, क्लोजिंग कैपिटल दे देता है, तो हमको उस क्लोजिंग कैपिटल को काय में कन्वर्ट करना है, ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करना है। उसका भी आपको फॉर्मूला याद रखना चाहिए, छोटा सा फॉर्मूला है उसका। ये क्लोजिंग कैपिटल जो भी होगी उस क्लोजिंग कैपिटल में प्लस कर दो ड्रॉविंग,
ड्राइंग को जो है वो प्लस कर दो, यानी आहरण को क्या कर दो प्लस, और माइनस कर दो नेट प्रॉफिट। ठीक है, याद रखना ये छोटा सा फॉर्मूला, अगर प्रॉफिट की जगह लॉस है तो लॉस भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इससे जो है वो कौन सी कैपिटल आ जाएगी, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, और उस ओपनिंग कैपिटल को यहाँ यूज़ कर लेंगे, ओपनिंग कैपिटल इंटू रेट अपॉन में क्या आ जाएगा 100। लेकिन अगर ड्राइंग पर इंटरेस्ट निकालना है तो क्वेश्चन में ड्राइंग दिया रहेगा, वो ड्राइंग के बारे में चीज़ें रहेंगी, ड्राइंग अमाउंट इंटू रेट अपॉन में 100। और कभी कभी किसी पार्टनर के द्वारा लोन दे दिया जाता है, हो सकता हो एक्स वाई दो पार्टनर थे, एक्स ने फर्म को लोन दे दिया है 1,00,000 रुपए का, तो उस लोन पर क्या लगाया जाएगा इंटरेस्ट, तो ये लोन अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100। बस इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, लोन पर इंटरेस्ट कई बार मंथली निकलता है, तो मान लो उसने जुलाई में लोन दिया है तो जुलाई की कंडीशन में जो लोन पर इंटरेस्ट लगेगा वो कितने महीने का लगेगा, 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो इस प्रकार से इस पूरे भाग में अपने पास जो 2-3 फॉर्मूले हैं उनको लेकर के आगे चीज़ें कैलकुलेट की जा सकती हैं। ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा पॉइंट इन पूरे उसको लेकर के एक मिनट के अंदर चीज़ों को समझते हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। करेंट अकाउंट कौन सी मेथड में बनता है, तो करेंट अकाउंट बनेगा फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में जो है वो कैपिटल का बैलेंस फिक्स्ड रहता है या चेंज होता रहता है, स्थिर रहता है या बदलता रहता है, तो हमारा आंसर रहेगा फिक्स्ड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हमेशा कैपिटल का बैलेंस कैसा रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। मिनिमम मेंबर ऑफ पार्टनरशिप, कम से कम सदस्य संख्या पार्टनरशिप में कितनी होनी चाहिए, 2। लेकिन मैक्सिमम मेंबर ऑफ पार्टनरशिप, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो आंसर आएगा 50, 50% मैक्सिमम इसमें आप ले सकते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है, तो वो याद रखना है 1932। पार्टनरशिप का जो डीड होना चाहिए वो क्या कैसा होना चाहिए, तो वो हमेशा याद रखना वॉलेंट्री होना चाहिए। पार्टनरशिप डीड यानी साझेदारी का जो समझौता होना चाहिए, संलेख होना चाहिए, वो अनिवार्य नहीं है, वो कैसा है, ऐच्छिक होता है। आप चाहें तो बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी बनाते हैं तो फिर 1932 के जो रूल्स होंगे वो अप्लाई किए जाएंगे, तो वो चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार के एक वो बताया था रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नील, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नील, लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन लोन रहेगा वो कितने परसेंट रहेगा, 6%। तो ऐसे करके छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव इसमें पूछे जा सकते हैं, ये आपको कहीं ना कहीं वो 32 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव आते हैं, यानी ओवरऑल उसमें फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट आंसर, मैच द कॉलम, उन सब में इनमें से कहीं ना कहीं 2 से 3 क्वेश्चन आपके उसमें पूछे जा सकते हैं जो आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको उसकी थ्योरेटिकल पार्ट पूरा बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका न्यूमेरिकल बताऊंगा कि कैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्वेश्चन सॉल्व होगा और उसको कैपिटल अकाउंट में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को प्रॉपर देखिए, समझिए, हम अगले वीडियो के माध्यम से एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। 4 नंबर का एक क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है जो आपको एग्जाम में नंबर दिला सकता है इसको देखने के बाद। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं हम। थैंक यू।